किसान साथियों, 354 नंबर की वीडियो में जो पराग लश्करे जी की थी, जो मैंने उनके बाग पर बनाई थी, उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि बांस लगाने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए और उन्होंने इन चार वैरायटी का चुनाव क्यों किया। इसके बाद जब मैं उनके घर पर गया और वहां पर मैंने उनसे एक विस्तृत चर्चा की। ये चर्चा एक बहुत पढ़े लिखे आदमी के साथ हुई है, वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और उन्होंने इसका काफ़ी जमा खर्च पता करने की कोशिश की और उसके बाद ये बाग लगाया। अभी उनका इरादा 50 एकड़ और बाग लगाने का है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो लोग बांस लगाने की सोच रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इसे पूरा वीडियो को देखें और समझें कि पराग जी का उद्देश्य क्या है। इस चर्चा में ये आएगा कि आपको ये पौधे बेचने कहाँ हैं, जब फसल तैयार होगी तब इनका क्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं चर्चा। जी, जो आपने ये चार वैरायटी और 25 एकड़ का शुरू किया, तो ये तो आपने नहीं सोचा होगा कि मैं इन्हें बांस ही बेचूंगा इनके? नहीं, मतलब डे वन से क्लियर है कि मैं बांस कोई फैक्ट्री में या मंडी में तो नहीं बेचूंगा, कोई ना कोई एक प्रोसेस करके बेचेंगे हम। प्रोसेस करके बेचेंगे, चाहे एक इनिशियल प्रोसेस हो या एक कंप्लीट प्रोसेस हो। इनिशियल प्रोसेस का मतलब क्या है आप? इनिशियल प्रोसेस का जो मैं मतलब समझ रहा हूँ, दैट इज सॉर्टिंग एंड कटिंग इनटू सेम साइजेस। कि भाई किसी की रिक्वायरमेंट अगर है, हाँ, तो वो एक जैसा और एक साइज का बैम्बू उसको मिले। भाई मुझे 12 फीट के चाहिए, तो मुझे 12 फीट का एक जैसा लॉट मिले। अच्छा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल। एंड सेकंड इनिशियल थिंग जो हम समझ रहे, दैट इज अ ट्रीटमेंट प्लांट, सीजनिंग एंड ट्रीटमेंट। अच्छा, कि पर्टिकुलर साइज का सीजनड बैम्बू कहाँ मिलेगा, तो भाई आपको वी आर गोइंग टू बी दैट सोल्यूशन फॉर दैट, जिससे कि वो सीधे उसे प्रोडक्ट बनाने में, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सके वो। अच्छा, और जो कंप्लीट प्रोसेस है उससे क्या? कंप्लीट प्रोसेस मींस जो चीज हम कोई हैंडीक्राफ्ट्स हैं या अगरबत्ती स्टिक्स हैं, आजकल कटलरीज हैं, स्पून्स, फोर्क, पेपर प्लेट, जो बैम्बू हम लोग का इसके बाद बचेगा या इसमें से कुछ क्वांटिटी, हम वो कंप्लीट प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। हो अच्छा। सकता है टूथपिक बनाएं या फिर स्पून बनाएं या कटलरी जो भी आती है सेट, जो भी चीज़ रहेगा, दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोडक्ट। एंड यूज़र को जो यूज़ आएगा, दैट विल बी अ कंप्लीट प्रोडक्ट। उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपने सोचा? अभी तक जो हमारा इनिशियल प्लानिंग रही है, दैट इज कटलरी में स्पून्स, फोर्क्स, प्लेट्स एंड अगरबत्ती स्टिक तो नहीं सोचा है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी लोग ऑलरेडी उसके पीछे जा रहे हैं। तो टूथपिक एक हम लोग ने सोचा है उसमें, दैट इज़ अ वन प्रोडक्ट। आइसक्रीम स्टिक सोचा। चलिए, एक इसका प्रयोग फर्नीचर में भी होता है, डेफिनेटली। तो उसके लिए आप इनिशियल प्रोसेस वाला, किसी को चाहिए तो हम इनिशियल प्रोसेस करके देंगे। जी जी। अच्छा, एक जो उसमें ये चारकोल जो बेचते हैं या इसकी पैलेट करके बेचते हैं, उन दोनों के बारे में नहीं सोचा आपने इसको करने के लिए? अभी पहला तो सीजनिंग एंड बेसिक प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं। अच्छा। एंड जो चारकोल बनाएंगे भी हम, अच्छा, तो सपोज एक 15 फीट का हम बैम्बू लेते हैं अगर, तो उसमें से नीचे का 1.5 फीट और ऊपर का 1.5-2 फीट जहाँ पे टेपरिंग आ जाता है, अच्छा, वो तो वेस्ट हो जाता है। तो वो जो एंड कटिंग्स रहेगी, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग चारकोल। उसके लिए मुझे अलग से बैम्बू कट करके जलाने की जरूरत नहीं, जो मेरे यहाँ का एंड कटिंग वाला रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली चारकोल के लिए मुझे कार्बनाइजेशन करके उसको जलाना है, तो उसमें तो एनी साइज विल डू ना। वेस्ट मटेरियल का भी चारकोल बनाया जा सकता है। तो अगर चारकोल के रेट उतने अच्छे मिलेंगे मुझे, तो मैं अपना नॉर्मल पूरा का पूरा बैम्बू जला दूं। अगर मुझे लग रहा है उसका मार्केट नहीं है या रेट नहीं है, तो फिर मैं एंड कटिंग्स के लिए बनाऊंगा जो मेरे ही फार्म पे दूसरे जगह फॉर एज अ फर्टिलाइजर्स लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, जहाँ पे कार्बन कंटेंट कम है, तो उसके लिए लोग यूज़ कर रहे हैं बायोचार। इतने बड़े स्केल पे जाने के लिए आपने इसकी कुछ इनिशियल स्टडी जरूर की होगी जी, बैम्बू की। तो हम फिर वहीं आते हैं लौटकर, जो इनिशियल प्रोसेसिंग हम करेंगे, हाँ जी, उसका करने के लिए जी। तो इनिशियल प्रोसेसिंग की जो नंबर एक यूनिट डालेंगे आप जी, उसका कितना खर्चा होगा? इनिशियल जो एक ट्रीटमेंट प्लांट आता है वो 25-30 लाख का आता है। अच्छा, हाँ, उसमें कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज भी हैं,
तो अगर उस समय वो सब्सिडीज अवेलेबल हैं और हम उसके लिए एलिजिबल है तो हम डेफिनेटली लेंगे वो, और अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको देखते हुए फिर खुद करेंगे। तो एक 25 से 30 सीजनिंग प्लांट, सीजनिंग प्लांट, और जो कंप्लीट प्रोसेस वाला प्लांट है उसकी मशीन्स की एक रेंज है आप 30,000 से लेके 2 लाख के बीच में। अच्छा। बैम्बू की काफ़ी मशीन्स आती है छोटे छोटे काम जो करती है, तो उसकी मल्टीपल मशीन्स हैं, तो अपने यूज़ के हिसाब से अपन एक मान के चलिए 4 से 5 लाख में एक वैरायटी ऑफ मशीन्स आ सकती है जिसमें अपन ऐसे 5-6 प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जितने प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। हाँ, तो हम ये मान के चले 10 लाख तक उसका वो चल, एक छोटा यूनिट जो सिर्फ ये रिलेटेड आर्टिकल्स बनाएगा, कटलेरी, स्पून ये सब चीजें, आइसक्रीम स्टिक्स ये सब। इसका मार्केट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब नहीं, इसकी डिमांड भी बहुत है, सप्लाई भी अभी तो ठीक चल रहा है लेकिन डिमांड बढ़ते जा रही है बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। अपने जो सबसे बड़ा एनवायरमेंट का चल रहा है कि हमको प्लास्टिक बैन करना है, प्लस अभी क्योंकि मशीन्स इतने एडवांस हैं तो इसकी कॉस्टिंग नीचे आ गई है प्रोडक्शन की। पहले जो हाथ से बनाई जाती थी चीज़ें अब सब ऑटोमेटिक मशीन है, आप यहाँ से बैम्बू डालो वहाँ से चम्मच बाहर आ जाएगी, तो इस वजह से कॉस्टिंग नीचे आ गई बनाने की, डिमांड बहुत है इसकी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। हाँ, एक और चीज़ है जो हम बात कर रहे थे, आजकल जैसे गवर्नमेंट हमारी ये ब्रिक्स आती है जी, एक तो रेड ब्रिक्स आती हैं जिन्हें अब मुश्किल होती जा रही है, उनके रेट बहुत हाई हो गए, उन्हें पकाने के लिए जो बायोमास नहीं मिलता है और जो रबड़ जल रहे हैं वो बैन कर दिए, तो एसी ब्लॉक उसका सब्स्टिट्यूट आ गया जी। तो जो ये पैलेट्स बनाएंगे हम, तो पैलेट्स बनाने के लिए जो एक सेटअप हमारे को चाहिएगा, तो उसमें मुझे बताइए कि उस सेटअप की कॉस्ट कितनी होगी और कितने मतलब पैलेट्स, मतलब कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करें। पैलेट सर, हम लोग ने जो यूनिट देखा था उसका कॉस्ट एक 4 से 5 लाख रुपीस का था, दैट वाज अ लोकल मशीनरी। पैलेट्स का एक ही यूनिट देखा है मैंने, ज़्यादा नहीं कर पाया स्टडी उसमें, तो एक 4 से 5 लाख का उसका यूनिट था। उसमें जो स्टडी हम लोग ने करी और पैलेट्स में हम क्यों थोड़ा बैकफुट पे भी आ गए, बिकॉज पैलेट्स में वुड से बनाने वाले पैलेट्स के लोग बहुत हैं, जो टिम्बर मार्केट है वुड से जो चूरा निकलता है, डस्ट, सॉ डस्ट, उससे पैलेट बनाने वाले लोग बहुत हैं। अच्छा। वो कंपेरेटिवली बैम्बू पैलेट से सस्ता है, इजीली अवेलेबल भी हो रहा है। बैम्बू के लिए आपको पहले बैम्बू ढूंढना पड़ेगा, इनके पास 100 मिल्स होती हैं, उनके पास ये डस्ट ऑलरेडी होता है, तो ये उससे पैलेट्स ऑलरेडी बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है कि पैलेट्स खरीदेगा कौन, कई लोगों ने पैलेट के यूनिट डाले लेकिन उनको बायर नहीं मिला, बायर बोलता है कि मेरे पास मटेरियल नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा गैप है उसमें। क्योंकि पैलेट्स कंटिन्यूस चलाने के लिए आपको एक बड़े कैपेसिटी की यूनिट चाहिए जिसकी टन्स की कैपेसिटी हो पर डे के हिसाब से, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बड़े कंज्यूमर्स हैं उनको एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ टन्स का पैलेट रोज लगेगा। तो सबसे पहले स्केयरसिटी आ जाती है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की, कि इतना रॉ मटेरियल पर डे बेसिस पे आर वी कैपेबल टू सप्लाई, तब वो यूनिट चलेगा। छोटे छोटे अगर यूनिट हो गए 1 टन 2 टन वाले, तो वहाँ से एक तो मटेरियल कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्टी है, एंड क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन हो नहीं रहा है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 50 टन्स की है तो मुझे 15 टन मिल रहा है तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो एक गैप है। तो उस चक्कर में हम लोग पैलेट्स में अभी थोड़ा सा नहीं जा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है उसमें। अच्छा। क्योंकि हम लोग ने जहाँ बात करी कंज्यूमर से तो वो बोलता है ठीक है आप पैलेट्स लेके आओ, वी आर गोइंग टू परचेज, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उनके रेट की, या हम पैलेट जो क्वालिटी का बनाएंगे अगर वो क्वालिटी उनको एक्सेप्ट नहीं हुई तो, क्योंकि ये डे टू डे चेंज होने वाली चीज़ है। जो लॉट का मटेरियल आएगा उस पर डिफाइन होगा कि पैलेट्स की क्वालिटी क्या निकलेगी। तो अभी तक जो बैम्बू मिशन है या गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये तो ठीक है कि उन्होंने इसे फॉरेस्ट एक्ट से बाहर कर दिया, हम इसे उगा सकते हैं, काट सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे हम गेहूं उगाते हैं जी, तो गवर्नमेंट को खरीदना ही खरीदना है। करेक्ट करेक्ट। मिनिमम चावल उगाते हैं इतना खरीदना ही खरीदना है। हाँ, हाँ। प्राइस है ना, गन्ना उगाते हैं इतना खरीदना खरीदना। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब तक इसमें ये, या तो दो ही कंडीशन है, या तो ये पॉलिसी ना आए, या आप इतने स्ट्रोंग ना हो, सबल ना हो
कि आप अपनी जैसा कटलरी की फैक्ट्री डाल के और उसको अपने आप मार्केट कर लें तो इसमें सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में नहीं आएगा तो ये सिचुएशन बहुत डाइसी रहेगी। कल को कोई एक नया प्रोडक्ट आएगा, लोग उसके पीछे भागेंगे इंडस्ट्री लगाने, फिर नेक्स्ट डे एक और एक प्रोडक्ट आ गया, तो जिसको जो अपनी मशीन प्रमोट करना है, कुछ प्रमोट करना है, तो एक जो एफर्ट्स जाएंगे ना वो कंसोलिडेटेड एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं। हम सब अलग अलग डायरेक्शंस में बैम्बू के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई पैलेट के पीछे भाग रहा है, कोई नर्सरी के पीछे भाग रहा है, नर्सरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है या एक रोड मैप नहीं है कि भाई इस स्टेप से आप जाओ तो आपका माल भी बिकेगा, आपका माल ग्रो भी अच्छा होगा। सब R&D फेज में चल रहा है। जब मैंने ये इसकी स्टडी की वो कोशिश की थी तो मैंने उसमें 3 टाइप के लोगों से मिलने का प्रोग्राम बनाया था। एक वो जो इसमें बहुत साल से जुड़े हुए हैं, वो सेकेंडरी बात है कि उसमें वो नर्सरी वाले भी हैं जैसे उसमें। दूसरे वो नर्सरी में मैंने दो उनको देखा था, एक जो बहुत बड़े कॉमर्शियल स्केल पर करते हैं, जैसे आजकल टिशू कल्चर की नर्सरी सब ने डाल रखी है, मास प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा वो कि मैं किसान जिन्हें कम से कम 6 साल हो गए हों बैम्बू लगाए। जी, तो आपको याद होगा कि आज ही एक किसान से बात करी, उसने तो अपने उखाड़ दिया 7 साल के पेड़। करेक्ट करेक्ट ना, आपके तो सामने बात करी थी। तो वो उसी का लैकुना है, वो उसी का लैकुना है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ और उसने इतना अच्छा किसान और इतने साल करने के बाद में उसने उखाड़ दिया उसको। तीसरा ये था कि आप जैसे प्रोफेशनल लोग जो इसमें मतलब बिजनेस की तरह आ रहे हैं तो उनका क्या व्यू है, तो अब आपका भी देखेंगे कि इस तरह से ये क्या होता है इसे मिलने के लिए। एक और कुछ किसान है, जितने भी हैं वो सारे 1-2 साल के हैं जो लिस्ट बनाई है। एक किसान है बिहार में जी, वहां से वो कई साल से कर रहा है, लेकिन वो भी उनसे अपने प्रोडक्ट ही बनाता है। वो मतलब बांस बेचता है, वो कहता है कि मेरे यहाँ पे जैसे ही बांस तैयार होता है मेरे को फोन करना होता है और वो आते हैं और बांस काट कर ले जाते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, ये सिर्फ फोन करना है और बांस काट कर। तो जब तक ऐसा कोई ना हो तो उन किसानों को तो कहीं ये फिर वही करोड़पति बनने के चक्कर में किसानों का वो ना हो जाए। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम लोग बैम्बू कर रहे हैं उसके आसपास अभी हम लोग कंसेप्ट ला रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। बाहर भी चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई जेन्युइन है, कोई फ्रॉड तरीके से कर रहा है। हम लोग का व्यू ये रहेगा कि भाई हम किसान को शुरू में पौधे देंगे, उसको उसकी जो खेतों की बॉर्डर है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरा प्लांटेशन लगाओ, लेट हिम डू हिज रेगुलर ट्रेडिशनल थिंग जो भी वो कर रहा है। तो बॉर्डर पे लगाने से उसकी कहीं भी इनकम डिस्टर्ब नहीं होगी, या इन केस अगर एट 1% चांस भी अगर मैं फेल हो गया उसको माल लेने से, तो उसको ये नुकसान नहीं कि उसकी रेगुलर इनकम हैम्पर हो गई। मैं उसको उसके रेगुलर हटके करने से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ बॉर्डर पे लगा लेना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एंड वहाँ से 4-5 साल बाद जो भी बैम्बू निकलता है He can give to us at a rate which is pre-decided, या फिर he is free to sell it to open market also if he has resources for that. कोई binding ना उसके ऊपर रहेगा ना मेरे ऊपर रहेगा। इस तरह की contract में मैंने देखा है कि 2-3 केस आए हैं मेरे सामने। एक डायना अंजीर का जो इधर राजस्थान के एरिया मैंने देखा है कि मैं गया था, उन्होंने कहा 300 रुपये किलो पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था जी। और इधर इसके हिसार के पास भी एक किसान से मिला, हमारे ग्रुप में भी है वो किसान जी। तो अब वो आते आते 90 रुपये किलो पर आ गए जी। हाँ, लेकिन उनकी ये है कि वो खरीद रहे हैं जी। दूसरा मैंने देखा था कि एक खरगोन में मैं गया था, वहाँ पे एक किसान ने पपीता उगाया था और उसमें एक कंपनी ने पपीते की कॉन्ट्रैक्ट किया था और उन्होंने उसका बाद में मतलब उसे ख्वाब 30 रुपये किलो के दिखाए थे और बाद में उसे 10 रुपये किलो भी मतलब लेना था उसको करने के लिए सर जी। और तीसरा ये आपने अभी जो अंकित पाटीदार क्या ना, विनोद पाटीदार जो नाम है हमने जो देखा है खरगोन के, इनका भी देखा है, वो आपने सुबह सुन लिया जी जी जी। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
थोड़ा सा टिपिकल सवाल है जी जी। तो क्या आप भी ऐसी क्लोज रखेंगे कि मतलब? नहीं सर, हमारे इसमें कोई क्लॉज नहीं रहने वाला। हाँ। एक बहुत सिंपल सा लिखित सा रहेगा बस, नॉर्मल एकदम ट्रेडिशनल तरीके से कि भाई आपको ये बैम्बू दिए जा रहे हैं, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, ये रेट पे हम आज ही उनको डिस्क्लोज कर देंगे कि हम आपसे बैम्बू खरीदेंगे, इस रेट से मार्केट रेट आपको ज़्यादा लगता है तो आप बिल्कुल मार्केट में जाके बेच सकते हैं। बैम्बू सर एडिबल नहीं है, ये अंजीर पपीता ये एडिबल चीज़ें हैं, इसका एक पर्टिकुलर मार्केट है। अगर सपोज़ आपने अंजीर और पपीता उगा लिया अपने खेत में, आप उतना खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, पेरिशेबल भी हो जाता है। बैम्बू का ऐसा है कि हम सिर्फ बॉर्डर पे लगवा रहे हैं, तो इन केस अगर मैंने नहीं भी ख़रीदा तो आज उसकी बॉर्डर और फेंसिंग तो फ्री में हो गई किसान को, जिस चीज़ के उसको पैसे लगते थे पहले, वो बल्ली लाता, तार कंपाउंड करता, जो भी करता, वो एक चीज़ फ्री हो गई। वो अगर कोई भी बगीचा लगाता है या सब्जी भाजी करता है, उसको एटलीस्ट वहाँ से कमचियाँ मिल जाएंगी सपोर्ट करने के लिए, जो आज वो 15-20 हज़ार की ख़रीदता है, छोटी डंडियाँ वो लोग लाते ही हैं। तो किसान पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रिस्क फैक्टर हमने बहुत कम रखा है। जो ये डाउट्स आते हैं, ये हम लोग ने भी काफ़ी एग्रीमेंट्स देखे लोगों के, या जो मार्केट में पूछा कि बोले यार कॉन्ट्रैक्ट वाले भाग जाते, साल दो साल करेंगे भाग जाएंगे, तो हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वहाँ से भाग रहे हैं या नहीं लेंगे। दैट इज़ वेरी ओपन कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ ऑफ अस। उसको लगता है कि मैं रेट बराबर नहीं दे रहा हूँ तो वो बाहर दे सकता है, ना उस पर कंपल्शन है, ना मेरे पे कंपल्शन है खरीदने का। और बैम्बू ऐसी चीज़ है वो कहीं ना कहीं गांव में आज भी यूज़ हो जाती है फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। एक तो उसका फेंसिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका, हम ये कहते हैं कि 5 रुपये किलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल जी जी, उस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट में रिसेशन आ गया, बहुत ज़्यादा बैम्बू आ गया, आप कहने लगो जी मैं तो 3 रुपये किलो खरीदूंगा। नहीं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 से हो रहा है तो हम लेंगे भी 5 से, तो वो हम उतना रिस्क उस पर रख के चलेंगे कि एक एस्टिमेट लेके चलेंगे। हो सकता है मैं किसान को मार्केट में 5 रेट चल रहा है तो मैं उसको 4 से कॉन्ट्रैक्ट करूँ, आज उसको मैं 1 रुपये डिस्काउंट दूँ, लेकिन मैं एश्योरिटी भी दूंगा कि 4 में मैं ले लूँगा अगर कोई नहीं लेगा तो, आप वो बाइंडिंग रहेगा दोनों पे। आपने जब बैम्बू लगाया था अपने यहाँ पे, तो अपनी सोइल टेस्ट कराई थी कि ये फिट है इसके बैम्बू के लिए या नहीं? फॉर्मली क्योंकि आपकी थोड़ी रॉकी सोइल, रॉकी सोइल है, फॉर्मली मतलब नेचुरल है कि थोड़ा सा उसमें जब डिसाइड किया था तब नहीं लगाया था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने सोइल टेस्टिंग कराई है। कराई तो उसमें हमारे फैक्टर्स तो काफ़ी लो आए हैं जो नॉर्मली होने चाहिए सॉइल में, तो हम उसको अभी अपना थोड़ा थोड़ा करके एनरिच करना स्टार्ट कर रहे हैं मल्चिंग से एंड बाकी। आपके पौधों की जो ग्रोथ है एक साल की, वो मुझे उस हिसाब से नहीं लगी जितनी के, जैसे कि मैंने अपनी मेड़ पे बालकुआ बांस लगाया जी जी सर, वो इससे लगभग 1.5 गुने तो कम से कम है ही, नहीं तो 2 गुने से भी ज़्यादा है जी। अगर आप देखो सर, देखिए हम लोग का जो बैम्बू लगा है वो पिछले साल अक्टूबर नवंबर के पास लगा है, तो ये जो अभी उसको मानसून मिला, दिस वाज द फर्स्ट मानसून जो उनको मिला नेचुरल वाटर, तो इसके और इस बार मानसून इतना प्रोलॉन्ग हुआ कि हमारे यहाँ वीड्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आया हमको, एंड क्योंकि एरिया इतना बड़ा है एंड फर्टिलाइजर्स एंड वीडीसाइड के कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं, तो वो फिजेबल नहीं था। हम लोग ने एक बार वीडीसाइड किया, 2 बार ट्रैक्टरिंग भी करी, लेकिन एक्सेसिव रेंज की वजह से हम लोग वीड को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो पहले साल की ग्रोथ के हिसाब से हमारा बैम्बू बहुत अच्छा था, लेकिन अगर 1 ईयर टू 2 ईयर अपन देखेंगे तो उसमें हम अभी कहीं पीछे हैं, तो वो हम अभी नेक्स्ट 3-4 महीने में उसको कवर कर लेंगे। आपने जब बैम्बू लगाया था तो जैसे वहाँ भी बात की थी, तो उसमें जो प्रोसेस अपनाया था वो क्या था आपने लगाने के लिए? लगाते से सर हमने जो उसमें 1.5x1.5 का पिट किया था मैनुअली हमने कराए थे, क्योंकि हमारे रॉकी सॉइल है तो बाय मशीन स्पिट करना पॉसिबल नहीं है, मशीन से डैमेज हो जाती है, जो बीट वाली मशीन आती है वो डैमेज हो जाती है, तो हमने मैनुअली पिट कराया था। अच्छा। और एक चीज़ हमने और ऑब्जर्व करी, जब मैनुअली पिट कराते हैं तो वहाँ पोरसनेस ज़मीन की अच्छी होती है, मशीन से अंदर बहुत चिकना सरफेस बन जाता है, तो पोरोसिटी के लिए रूट्स के डेवलपमेंट के लिए एक थोड़ा सा वहाँ पोरस अगर बनता है, तो मैनुअल हमने किया। उसमें फिर हमने 1 घमेला डीकम्पोस्ट काउडंग मैन्योर डाला था उसमें, उसके अलावा थोड़ा SSP थोड़ा पोटैश ये डाला गया था शुरू में,
ऑन वैम एंड निमेटिक हर्ब जो हमने डाला उसमें। अच्छा अच्छा, वैम हर ये डाला जी। तो तीन वैरायटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी? नहीं, हमारे नहीं, नहीं सिर्फ एक वैरायटी में ब्रांडीसी हमारे यहाँ ब्रांडीसी रिस्पॉन्ड नहीं किया ब्रांडीसी ने। नहीं, वो रेस्पॉन्स इसलिए नहीं किया कि वो गलती थोड़ी सी रही है उसमें। हाँ, हाँ, तो पौधों की कोई गलती नहीं, बाकी वो तो ठीक थे। सरफेस हमारा प्लॉट सिलेक्शन गलत हो गया वो वैरायटी को लेकर। वो प्लॉट में अगर न्यूटन या टुल्डा लगा होता तो शायद बेटर रिस्पॉन्स आता। पिछले 1.5 साल के एक्सपीरियंस पे आप किसानों को क्या बताना चाहेंगे कि जो बैम्बू लगा रहे हैं कि उनको ये सावधानी रखनी है लगाने के टाइम, पहले 1 साल या 2 साल या 6 महीने या लगाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? सर, लगाते समय ये देखना चाहिए कि आपका पिट एक तो बहुत प्रॉपर साइज का हो पहला। अच्छा, और आप जितना उसको नेचुरली वहाँ पे पहले साल फीड कर सकते हैं। प्रॉपर साइज का मतलब 1.5 फीट 1.5 फीट 2 फीट आप 1.5 बाय 1.5 का एटलीस्ट करें। करें, बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए क्योंकि उतना मटेरियल अपने पास होता नहीं उसको वापस फिल करने के लिए। 1.5 बाय 1.5 2 तक ठीक है। सेकंड, आप काउडंग मैन्योर या जो भी है ये बेस्ट क्वालिटी का जो भी फर्टिलाइजर जो भी अप्रोच से कोई चल रहा है वो अच्छे से उसको एक बार फीड कर दे। जो दूसरी फसल में डालते हैं, हाँ, दूसरी बागवानी में करते हैं उतना जरूर डालें, एक बार जरूर डालें उसको। क्यों शुरू में खाद डाल दें? जैसे हम मना करते हैं, हाँ, कि भाई शुरू में पौधा लगाते टाइम खाद मत डालो, सिर्फ गोबर का खाद डालो, हाँ, क्योंकि रूट डेवलप होने दो उसके बाद डालना, लेकिन इसमें डालना नहीं। तो इसमें हम लोग ने जो टेक्निक यूज करी थी कि हमने खाद और मिट्टी के अलग अलग लेयर बना के डाला था। अच्छा, हाँ, मतलब नीचे थोड़ा सा चूरा डाल दिया पत्तियों का, या जो अपना हमारे पास तनस आया था उस टाइम मल्चिंग के लिए तो वो डाल दिया, फिर थोड़ा सा गोबर डाला, फिर मिट्टी, फिर गोबर, फिर मिट्टी करके अलग अलग लेयर्स बना दी थी उसके, फिर लास्ट में हमने पौधा रख के उसको आजू बाजू की मिट्टी से ढक दिया। तो जैसे जैसे रूट्स बढ़ेंगी तो उसको हर थोड़ी देर में मैन्योर मिलता रहेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगी वो बैम्बू की रूट्स बहुत ज़्यादा शैलो नहीं जाती, वो ऐसे फैलती हैं, वर्टिकली नीचे नहीं जाएंगे, वो हॉरिजॉन्टली फैलेंगी, चाहे वो बीजू पौधा हो या कोई भी पौधा, बहुत नीचे नहीं जाती बैम्बू की रूट्स क्योंकि वो पकड़ के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है वहाँ की। तो ये पिट में आप अच्छे से कंपोस्ट डालें क्योंकि ये ऐसा पौधा है जिसको आप लगाने के बाद, जैसे अगर अपन फल बगीचे लगाते हैं तो हम उसकी थोड़ी देखभाल ज़्यादा करते हैं। बैम्बू हम थोड़ा सा उसको स्टर्डी मानते हैं, या लोग जो बनाया है कि इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बीमारी नहीं आती, वो एक ट्रेंड जो लोगों की मेंटेलिटी बन गई। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केयर करना पड़ता है, शुरू में केयर करना पड़ेगा। हम लोग ने अभी तक उसको 2 बार खाद दी है, गर्मी में बकायदा उसको हमने तनस से राइस हस से मल्चिंग भी करी है ताकि वहाँ नीचे ठंडक रहे, बरसात के पहले आरे बना के उसमें खाद भी दी गई है काउडंग मैन्योर वापस हमने उसको। हम लोग हर 6 मंथ्स में हमारा रेगुलर शेड्यूल है काउडंग मैन्योर का जो हम डालते हैं, क्योंकि कितने साल तक करना है ये अभी तो हमने इनिशियल 3 साल के लिए सोचा है। 3 साल के लिए, हाँ, एक बार वहाँ का जैसे पत्ते, हाँ, लग रहा है 3 साल में तो वो इतना हो जाएगा पत्ते, हाँ, एक बार उसके पत्ते झड़ने लगे तो वहीं पे उनको पाइलअप करो गोबर के साथ, वहीं पे कंपोस्ट बनाओ और दे दो आप, अगर ज़रूरत लग रही है तो। अगर ऐसा लग रहा है कि उसके पत्तों से ही सेल्फ सफिशिएंट वो हो गया है तो फिर हम नहीं करेंगे। किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे पराग लश्करे जी को। उसमें जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है कि कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। हर वैरायटी की जो दूरी है वो अलग अलग होगी, और सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करें कि आप इनको बेचेंगे कहाँ। हर जगह अलग अलग बाज़ार उपलब्ध है, इसको जो पेपर मिल हैं वो भी लेते हैं। कुछ लोग जो अभी जो अपने जैसे संतरे की टेकी लगाते हैं या मेरी तरफ जो है ये सब्जी का काम करते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा भाग चला जाता है। अभी तक मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री के पास नहीं गया कि जहां पर जो इसे खरीदते हों और इससे बायोमास बनाते हों। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, जब ये मेरी सीरीज जो श्रृंखला है बैम्बू पर जब पूरी होगी तो आपको क्रिस्टल क्लियर बातें पता चल जाएंगी। थोड़ा धैर्य रख रहे लगाने की इतनी जल्दी मत करिए, धीरे धीरे लगाइए और पहले ये पता कर लीजिए कि ये इसकी खेती में क्या क्या परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। एक मेरे पास किसान है, मेरे पास ही है करीब 50-60 किलोमीटर, उन्होंने 5 एकड़ टुल्डा लगाया है।
5 एकड़ टुलडा 15x15 पर लगाया है और उसमें इतनी अच्छी इस बार खेती की है, चूंकि वो 6 महीने का बाग है, कि आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। धैर्य रखें, मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा कि उन्होंने टुलडा ही क्यों चुना और 15x15 पर क्यों लगाया और इसको कहाँ बेचेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।